तो आज है संडे, 6:21 हो रहे हैं। उठे हुए तो हम 4 के हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कुछ ध्यान लायक था नहीं। तो अभी आए हम ट्रैक करने के साथ बहुत कुछ करने आए हैं, वो आगे दिखाते हैं। ये वरुण जी, वरुण जी क्या हाल है? तो आज की गाइड हमारी है, ये हमको पता नहीं कौन सी डियोर में से लाए, और वो है आमिर फोर्ट, वो जयगढ़ फोर्ट, और वो पता नहीं कौन सा फोर्ट। तो चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं। मेहनत करने के बाद अभी तक तो कुछ ऐसा ही व्यू मिला है जिसमें कि आमिर फोर्ट भी वैसा का वैसा दिख रहा है, सब कुछ ऐसा कैसा दिख रहा है, लेकिन हमारी हालत दूसरी हो चुकी। अब हमको जाना है ऊपर, मतलब वहाँ पे। अब देखते हैं वहाँ तक जाने में कितना। और ये वरुण जी जो कि वहाँ तक जा चुके, जोमेटो का बैग लग रहा है ना वो तो भाई कैसा लग रहा है? तो एक ब्लॉगर और है हमारे साथ जिसकी फोन की तो अभी आ गए हम इतना ऊपर जाके आमिर फोर्ट बिल्कुल बरोबर दिख रहा है, बल्कि नीचे दिख रहा होगा। और हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, और इतना ऊपर हम आ चुके, अब हमारे को जाना है उतना ही ऊपर। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, यहाँ से चढ़ने के बाद, करने के बाद सब कुछ, तो नज़ारा कुछ ऐसा है, मतलब आमिर फोर्ट भी बच्चा लग रहा है, बहुत छोटा सा। और इस छतरी की बात कर रहे थे हम नीचे से, और इधर का कुछ नज़ारा ही अलग है, मतलब सर्दी आ गई जयपुर में कह सकते हैं। और ये भाई लोग, ये सब लोग कर रहे हैं, और ये ड्रोन की अनबॉक्सिंग चल रही है इधर। तो चलिए शुरू करते हैं। और पता नहीं इधर कौन, हाशिम, ओहो रितु, ये भाई कुछ अपनी भावनाओं कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो कुछ कहना है। पूजा भी है, दीपक भी है, दीपक भी है, और बहुत सारे फक फक मतलब लोग भी हैं। उड़ जा रहे हैं ना, होपफुली धूम ही जाए। तो कुछ कुछ जुगाड़ लगाते हुए, लेकिन पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। नहीं तो मेरी गोदी में आ जा। इनकी ऊंचाइयों में, और उधर कोहरा ही कोहरा। अब आगे देखते हैं कौन सा कोहरा रिकॉर्ड होता है। तो अब हम जा रहे हैं मैगी बनाने। तो मैगी बनाने के लिए हमने पहले, मैगी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक खाली भगोनी जो कि घर से लेके आए हम लोग, एक वरुण जी जो कि प्रोफेशनल है इसमें, 3 फत्तर जो कि ऐसे लगाने हैं, उसमें एक आईफोन है, मतलब आईफोन मतलब फोटो छपी हुई है, तो हमने लगा दी उसमें। तो ये चालू हो चुका है हमारा कारनामा मतलब काम, लकड़ियाँ जलाने का। वरुण जी इसमें एक्सपर्ट है आग लगाने में। वरुण जी एक्सपर्ट हो गया आग लगाने में? तो वरुण जी एक्सपर्ट हैं, आग लगाई थी लेकिन आग बुझ गई, तो क्या कर सकते हैं भाई ने फिर आग लगाई, फिर आग जल रही है। ये कॉफ़ी के ग्लास, ये दूध, और ये नज़ारा और आज भगवान भरोसे सब कुछ है कि बनेगी नहीं बनेगी, देखते हैं जो भी होगा। मतलब सच में बताया ना कि इतना ऊपर आना तो हमारे लिए बिल्कुल वर्थ था, क्योंकि नीचे से आने में तो हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन ऊपर आके हमने जब देखा तो देखते ही रह गए। इधर सूरज दादा, बोले तो सूरज महाराज जो भी बोल सकते हैं, और इधर कोहरा ही कोहरा, और हम आसमान की ऊंचाइयों में, इतनी ऊंचा करके और दिखा सकते हैं कि इतने हम आसमान की ऊंचाइयों में, और ये चल रहा है नज़ारा, वो माउठा जिसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, और वो है आमिर फोर्ट ये वाला, और उसके चारों रास्ते इधर से दिखते हैं, वो जयगढ़ फोर्ट जिसमें कि सबसे बड़ी तोप है, मतलब कैनन, और वो नीचे अंकल, हम तो आसमान की ऊंचाइयों में और अंकल गर्त में, मतलब गर्त में मतलब सबसे नीचे। और इधर एक बॉटल, उधर 2 बॉटल, 3 बॉटल, उधर रिकॉर्डिंग हो रही है, इधर कॉफ़ी और मैगी बन रही है, और ये चल रहे हैं, मतलब फुल आग लगाना चल रहा है, आग लग नहीं पा रही है। तो ये चल रहा है मैगी बनाने का स्ट्रगल, लेकिन हमारे पास माचिस की सिर्फ एक सीख बची है, पूरी हमने माचिस जला दी, हमको पता नहीं मैगी बनेगी नहीं बनेगी, या फिर भूखे पेट मैगी तो इतनी सारी लेके आए हैं, इसको खा के जाएंगे या कच्ची खा के जाके जाएंगे, वो पता नहीं है। वरुण जी क्या कहते हो, बनेगी नहीं बनेगी? बना के मानोगे ना? नहीं बनेगी। फिर तो भाई आज मैगी तो कहने चल रहा है, सॉस और कच्ची मैगी खाने का समय आज, यही खाएंगे और खा के जाएंगे। शिट यार, कुछ भी नहीं है, ये लास्ट है, होप और माचिस भी खत्म। तो देखते हैं इससे जो बनेगा ठीक है, नहीं तो फिर वापस जाएंगे ऐसे ही। सब कुछ खत्म होने का पेपर हो चुके हैं, अब ये प्लेट है हमारा सारा है जो मैगी खाने के लिए लाए थे हम, इनको बाहर उससे हम मैगी बना रहे हैं, क्या करें ना, मैगी बनेगी ना कॉफी बनेगी, तो हाथ तपने के लिए हम मैगी ये जला रहे हैं,
प्लेट। अरे भाई बस वरुण बस, अरे वरुण बस, अब मैगी हम खाएंगे, गलती से बन गई तो हाथों से खाएंगे। निचोड़ ये निकला है, वैसे मैं डाइट पे ही था तो मैगी बनानी थी नहीं, तो मैंने बनाई ड्राई मैगी। इसमें ये सॉस, ये मैगी और ये मसाला, क्योंकि वो तो हमको लग नहीं रहा बनेगी। और ये देख लो, तो हमने ऐसे खाना चालू कर दिया, जलाए जलाए जा रहे हैं। और भाई ने पूरा प्लेट हम खाने के लिए लाए थे, उसने लगा चुके हैं, कुछ प्लेटें बची है तो हम कुछ नहीं कर सकते। चाय लगा दी तो मैं भी इसको खा के काम चला रहा हूँ। और हम, ये हम आसमान की ऊंचाइयों में हम भी आ चुके हैं फाइनली। यहाँ का सब काम हो गया, जाना उधर से, उधर भी जा सकते हैं लेकिन उधर से नीचे रास्ता बंद कर रखा है। अभी जाते टाइम दिखाऊँ, हम किसी के घर में से होते हुए हैं, मतलब जो इनकी दीवारों का एंड है ना वो घरों में ज्वाइंट कर लिया लोगों ने। इतनी सारी सीढ़ियाँ हमको ऐसे 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 करके सारी नीचे उतरनी है जब जाके हम नीचे पहुँचेंगे। आते टाइम तो हालत ख़राब थी, अब जाते टाइम देखते हैं कि बचती है कि रहती है। सब कुछ घूमने घामने के बाद हम आ गए सागर, लेकिन यहाँ पे बंदरों का आतंक देखो। ये इधर ये खिंडा दी, उधर लकड़ी रख रखी है उसके ऊपर, इधर ये गिरे पड़े हैं, सबको लेटा दिया इन्होंने। मतलब जो यहाँ पे आया घूमने तो आया मस्ती से, लेकिन सब यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ बंदरों का आतंक बहुत तगड़ा वाला है। पड़े कौन आ गया, ये घोड़े के सुपड़े, अच्छा गधे के, ओके ओके गधे गधे। तो सारा घूमने घुमाने के बाद ये मंदिर और ये पन्ना मीणा कुंड, तो जगह अच्छी है बहुत, नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन पंगा ही है। और यहाँ पे आराम की नींद। अब हम कुछ ज़्यादा आसमान की ऊंचाइयों में आ गए, मतलब ये व्यू है ना हर किसी को नहीं मिलता इधर से। तो मतलब इधर ये हाथी दिख रहे हैं, इधर पुरानी बिल्डिंग और ये फोर्ट, तो मतलब बहुत प्यारा व्यू इधर से। मतलब पार्किंग के बिल्कुल सामने और सबसे टॉप, और इधर से सब कुछ नीचे नीचे, वो खड़ी हमारी बाइक और ये हम सबसे ऊपर। और हम वहाँ पर गए थे जो मॉर्निंग में गए थे, वहाँ पे गए थे तो वहाँ से ऊपर इधर से, लेकिन हम गए थे उस साइड से, रास्ता दोनों तरफ से होता है, लेकिन हम गए भी उधर से थे, आए भी उधर से ही थे।